नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में, सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के मोती बाबा मंदिर के पास सोमवार की सुबह एक नए नवीले दरोगा जी को प्राइवेट बस कंडक्टर को पीटना भारी पड़ गया। दरोगा जी द्वारा कंडक्टर को पिटता देख बस में सवार यात्री भड़क गए। प्रमोशन के नशे में मदहोश दरोगा जी को यात्रियों ने घेर लिया और मोबाइल से वीडियो बनाते कंडक्टर को पिटने का कारण पूछने लगे। इस पर दरोगा जी बौखला गए और यात्रियों को धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, दरोगा जी जिस बाइक से थे उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था। यात्रियों ने दरोगा जी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार कंधरापुर में तहबरपुर होते हुए इलाहाबाद तक एक प्राइवेट बस जाती है। सोमवार की सुबह बस तहबरपुर थाने से थोड़ी दूर मोती बाबा मंदिर पहुंची ही थी कि प्रमोशन पाकर दरोगा बने थाने के दीवान ने बस परिचालक को रोका और अपनी खटिया सहित अन्य सामान लादकर बरदा पहुंचाने को कहा। परिचालक ने उसका भाड़ा मांगा तो दरोगा साहब ने अपनी अकड़ दिखाते हुए परिचालक को थप्पड़ मार दिया। इस पर बस में सवार यात्री भड़क गए और दरोगा को घेर कर मारने का कारण पूछने लगे। इस पर दरोगा अपनी बाइक पर सवार होकर भागने का प्रयास करने लगे तो यात्रियों ने घेर लिया। काफी देर तक रोके रहे और वीडियो बनाते रहे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि बूढ़कपुर सीओ से जांच करवा कर जो दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वहाँ कुछ आपस में कुछ वीडियो मैंने भी देखा, कुछ आपस में कहाँ सुनी की बात है और एक बस की ये कुछ सवारियाँ हैं जिनसे विवाद हो गया था। दौड़ाने वाली बात वीडियो मैंने देखा, दौड़ाने वाली बात उसके अंदर नहीं है। फिर भी मैंने सीओ बुढ़नपुर को उसकी जांच करने के लिए कहा है और जांच कर कार्रवाई इसमें होगी। अब देखिए, ये जो भी चीज़ जाँच में आएगी उसमें जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चारपाई की बात कहीं वीडियो में आई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी विवाद का विषय है उसमें दोनों पक्ष की जांच में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और जो जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आजमगढ़ के गैंगस्टर कोर्ट में पांचवी बार पेश किए गए। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार की अब कोई डिमांड नहीं रही। मुख्तार के वकील ने बताया कि आज पूर्व निर्धारित के अनुसार कोर्ट में रिमांड रहा। गैंगस्टर कोर्ट में इस 22 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब 167 सीआरपीसी रिमांड समाप्त करके 309 रिमांड बना चुका है। अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की गई। संभावना है कि मुख्तार व उनके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई अब एमपीएमएलए कोर्ट में होगी। बता दें कि आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के एरा कला में 6 फरवरी 2014 में सड़क निर्माण के दौरान हुई गोलीबारी में एक मजदूर की मौत हो गई थी। पुलिस ने 147, 148, 149, 307 व 302 का मुकदमा पंजीकृत किया। इस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी हुए। मुख्तार अंसारी के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। मुख्तार के साथ इस मामले में राजेंद्र पासी, श्याम बाबू पासी, हरिकेश यादव, राजेश सिंह, मोहन पासी, राजन पासी, अभिलेश मिश्र, पंकज यादव, उमेश सिंह, अनुज कनौजिया शामिल है। आज उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज जो है उनका रिमांड था, तो रिमांड हुआ। इसके पहले 22/9 को इस केस में चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल हो चुकी थी, तो आज इसीलिए 167 सीआरपीसी का रिमांड समाप्त करके 309 का रिमांड बन चुका है और अगली तारीख जो है 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ज़्यादा संभावना है कि 11 अक्टूबर तक पत्रावली जो है एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए, जो क्षेत्राधिकार वही है। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले बूथ पर संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत 26 सितंबर को संगठनात्मक पलहनी मंडल के शक्ति केंद्र मुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 199 व 200 से प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी व उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के सभापति संतराज यादव का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बूथ संख्या 199 व 200 के बूथ समिति सदस्यों को मुख्य अतिथि संतराज यादव और जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने अंग वस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बूथ पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से मुलाकात कर
उनका हालचाल जाना। बूथ पर निवास करने वाले करीब 200 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला प्रभारी व उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के सभापति संतराज यादव ने कहा कि आप सभी से ही संवाद कर जनता की बातों को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को 11 बजे से 11:30 बजे तक मन की बात कार्यक्रम के द्वारा जनता देश प्रदेश और आपके लिए कितने सारे कार्यों की चर्चा करते हैं। आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को अवश्य सुने। आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस पीड़ा को नहीं समझा कि हमारे देश के ज्यादातर लोगों के पास शौचालय आवास अनाज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इस पीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और प्रधानमंत्री बनने के बाद घर घर शौचालय आवास उज्ज्वला गैस सिलेंडर व चूल्हा आयुष्मान कार्ड महीने में 2 बार मुफ्त राशन सभी घरों में बिजली कनेक्शन सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकारों में बिगड़ी कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया। आप सभी आजमगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करें। विकास कार्य और भी तीव्र गति से होने लगेगा। बूथ संख्या 199 और 200 पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए आया। हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था किया। हम बूथ समिति के सदस्यों के साथ ग्रामवासी महिला और पुरुषों के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुना और इसके उपरांत मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के उपलब्धियों की चर्चा की। जिला प्रभारी के नाते मैं यहाँ के संगठन को बल देने के लिए आया हूँ। यद्यपि यहाँ का संगठन चुस्त और दुरुस्त है, प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, लेकिन संगठन की एक व्यवस्था के नाते मैं भी इन लोगों के साथ मिलकर के काम करने के लिए आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की ऊर्जा यहाँ के संगठन में है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आज के कार्यक्रम में आया। किन मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव जीतेंगे? हम अपने विकास के कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो विकास के काम गाँव के लिए गरीब के लिए किया है, चाहे वो 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को एकमुश्त 3 किस्तों में देने की बात हो, चाहे वो फ्री का राशन कार्ड हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, हम उन सब विकास के कार्यों को लेकर के सुशासन के कार्यों के साथ हम अपने चुनाव को लड़ेंगे और हम विजयी होंगे। अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाने वाले भारत रक्षा दल ने रविवार को अपना वार्षिक उत्सव स्थानीय नेहरू हॉल में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि भारत रक्षा दल का हर कार्य समाज हित में होता है, जो अनुकरणीय है। कोरोना समय में इनके कार्यकर्ताओं ने सेवा की जो मिसाल पेश की है वो अतुलनीय है। संगठन के हर कार्य में जहां भी जरूरत होगी हम साथ हैं। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जज तहसीलदार सिंह ने कहा कि भारत रक्षा दल का अब एक न्यायिक फोरम बनेगा, जो परेशान लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए वकीलों और पूर्व न्यायिक अधिकारियों का एक पैनल बनाकर हम कार्य करेंगे। कार्यक्रम में भारत रक्षा दल के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने संगठन के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। कार्यक्रम में लावारिस मृतकों का दाह संस्कार करने वाली टीम को सम्मान पत्र और मनोज अस्थाना की तरफ से इंदौर शहर ले जाकर घुमाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था नगर टीम के पदाधिकारी ने किया। कार्यक्रम में संगठन के 500 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस महीने में उसी की खुशी में भारत रक्षा दल अपना वार्षिकोत्सव बना रहा है। इस दिन हम लोग अपने साथी कार्यकर्ताओं को अपनी उपलब्धियाँ, अपनी चर्चाएँ, भावी योजनाओं की चर्चा करते हैं। जो साथियों ने साल भर अच्छा काम किया है उनको एक प्रोत्साहन के रूप में अभिनंदन करते हैं। वही सब सारे काम कर रहे हैं और नई टीम जो बन रही होती है उनका परिचय भी कराते हैं। आज हमने वही किया है। आज तो आपने सुना कि आजमगढ़ में एक पूर्व जज हैं आदरणीय तहसीलदार सिंह, उनके नेतृत्व में, उनकी संरक्षता में आजमगढ़ में एक न्यायिक फोरम का गठन की आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उसके लिए भारत रक्षा दल तहरीर लिखेगा, FIR दर्ज करने की बात करेगा, उस पर वकीलों से एक टीम बना के जो मजलूम बेचारे परेशान हैं उनकी मदद करने के लिए न्यायिक फोरम का गठन की भी शुरुआत आज हुई है।
शहर के पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में रोटरी क्लब द्वारा रविवार को पशु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विश्व पर्यावरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पशु डॉक्टरों की टीम ने 65 गायों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। पर्यावरण पर संगोष्ठी के दौरान विचार विमर्श संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रहे। संगोष्ठी के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर के पिघलने से आने वाले वर्षों में समुद्र के अगल बगल स्थित देशों के अस्तित्व पर गहरा खतरा है। सभी छोटी बड़ी नदियाँ क्योंकि समुद्र में समाहित होती है, आने वाले समय के लिए एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है, इसलिए हम लोगों को पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन सतीश अग्रवाल, चंदन अग्रवाल, सचिव सुंदरम अग्रवाल, सुदर्शन दास अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, आनंद बरनवाल, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रवीण सिंह, क्लब के पूर्व अध्यक्ष चंदन अग्रवाल मौजूद रहे। आज हम लोगों ने श्री कृष्ण गौशाला में अपनी गाय माताओं का एक मेडिकल कैंप रखा था, जिसमें सभी गायों का पशुपालन विभाग द्वारा उनका जाँच किया गया, उनको उचित दवाई दी गई और उनके देख रेख में जो भी और उनको टिप्स देना था यहाँ के कर्मचारी को दिया गया। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे कि कल सबको पता है कि कल सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसकी पूर्व संध्या पे हम लोगों ने यहाँ पे एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। वहाँ पे मुख्य वक्ता हमारे गुरु जी थे, मयंक जी, उन्होंने दिया और भी 5-6 लोगों ने, हमारे रोटरी के और शहर के कई लोगों ने अपना अपना वक्तव्य रखा और सबने एक ज्वाइंट ये प्रण लिया है कि अब इन्वायरमेंट के प्रति सब लोग सचेत होना है, पेड़ लगाना है, गंदगी कम करनी है, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है। यही हमारे क्लब का, रोटरी क्लब का ध्येय है कि समाज में जो भी इस तरह की कुरीतियाँ हैं या गलतियाँ हैं उनको सुधारा जाए। दुनिया की सबसे बड़ा ग्लेशियर एंटार्कटिका इतनी तेज़ी से पिघल रहा है कि आने वाले वर्षों में समुद्र के अगल बगल रहने वाले शहरों का अस्तित्व खतरे में है। और हम ये जानते हैं कि अगर सबसे उच्चतम चीज़ अगर पिघल रहा है तो सबको इफ़ेक्ट करेगा। जैसा कि आज आपने देखा, आपके शहर में जो बाढ़ आया हुआ है, आज हम अपने शहर के पानी से नहीं हम लोग व्यथित हैं, हम लोग ऊपर के आगे के पानी से व्यथित हैं, जो सब ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़ा हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 3 के सफल संचालन के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित विभागों से मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने के लिए जारी किए कैलेंडर को जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ मुख्य विकास अधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत संबंधित समस्त विभागों से प्राप्त मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने वाले कैलेंडर से जिला स्तर, ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने हेतु सामूहिक कैलेंडर बनाना सुनिश्चित करें एवं सामूहिक कैलेंडर उपलब्ध कराएं। आगे उन्होंने निर्देश दिए कि मिशन शक्ति के अंतर्गत एक माह में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर 12 कार्यक्रम कराएं। एक माह में एक बड़ा कार्यक्रम जिला स्तर पर समस्त संबंधित विभागों को शामिल करते हुए कराएं। मिशन शक्ति फेज 3 के सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा साप्ताहिक की जाएगी। इसके लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी समस्त संबंधित विभागों द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स एकत्रित करते हुए फोल्डर बनाएं। इसी के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन शक्ति के अंतर्गत समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आपस में समन्वय बनाकर मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम को कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर कुमार जायसवाल, डीसी एनआरएलएम, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने आजमगढ़ नगर स्थित तो होटल में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज की मल्ला, केवट, बिंद, धीवर, कहार, कश्यप, मांझी, गुड़िया, रायकवार आदि जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण एवं उनका परंपरागत अधिकार दिलाना है। श्री राम व निषाद राज की मित्रता का हवाला देकर भाजपा ने कई बार निषाद जातियों का वोट तो लिया, पर सरकार बनाने के बाद निषादों को अधिकार से वंचित करने व राजनीतिक उपेक्षा का ही शिकार बनाने का काम किया। भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है। मंडल विरोधी भाजपा कभी पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती।
वीआईपी पार्टी के संस्थापक सह पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बिहार सरकार सनफ मल्ला मुकेश सहनी का स्पष्ट कथन है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन व समर्थन नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, परंतु सेंसस 2021 में पिछड़ी जातियों की जनगणना न कराने के लिए कठिनाई बताते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में हलफनामा किया है, जो भाजपा के पिछड़ा विरोधी चरित्र का परिचायक है। बताया कि आगामी 17 अक्टूबर को गोविंद साहब में आरक्षण अधिकार एवं सामाजिक न्याय रैली आयोजित की गई है। इस रैली में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जब चुनाव का समय आता है तो राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला दे करके हमारे समाज का वोट लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को दूर करके, क्षेत्रीय विषमता को दूर करके पूरे देश के निषाद मछुआरा संवर्ग की जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण देने का काम करेंगे। मैं बताते चलूँ कि देश की राजधानी दिल्ली का मल्ला और उसकी सारी पर्यायवाची जातियाँ केवट हैं, माझी हैं, धीमर, धीवर, झीवर, झिनवर को, कश्यप, कहार को अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में मल्ला, केवट, बिंद, चाई, बरचाई, झालो, मालो, जलिया, नामसुद, पटनी, केवट, कैवर्ता को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलता है। उड़ीसा में डेवर, धीवर, धीवरा, कैवर्ता, जल, केवट, माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मल्ला, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गोड़िया, तुरहा को क्यों नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती है, अगर निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ नहीं देती है, चुनाव से पूर्व राजाज्ञा और शासनादेश नहीं जारी करती है, तो यह निषाद समाज 2014 में, 17 में, 19 में भाजपा की नैया को पार लगाने का काम किया था। 2022 के चुनाव में भाजपा ने वादा खिलाफी किया तो भाजपा की नैया को हम लोग डुबाने का काम करेंगे, चुनाव में हराने का काम करेंगे। किसान मोर्चे की तरफ से आह्वानित किए गए भारत बंद का जनपद में कोई असर दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये अलग बात जरूर है कि लोगों से अपील करने निकले मोर्चे के सदस्यों का लोगों ने स्वागत किया, उनकी मांगों का समर्थन किया, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने खुशी जाहिर की। शहर के मुख्य मार्गों व बाजारों से जुलूस निकालते हुए किसानों ने लोगों से भारत बंद के समर्थन की अपील की। इस दौरान नेता इम्तियाज बेग ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने, एमएसपी की गारंटी दिए जाने, 2020 के बिजली बिल को वापस लिए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। आज पूरा भारत बंद का किसान मोर्चे ने नारा दिया था, हम लोग पूरा शहर घूमे हैं, किसान सभा कार्यालय पुरानी कोतवाली से जुलूस निकाले हैं 30-40 लोग, पूरा मुकेरीगंज से लेके पुरानी कोतवाली कोर्ट चौराहा घूमते हुए लोगों से अपील करते हुए कचहरी आए, कचहरी में भी पूरा घुमा गया है। तीन कृषि विरोधी कानून वापिस लो, एमएसपी की गारंटी दो, 10,000 किसानों को बुढ़ापे की पेंशन दो और देश के कल कारखानों को बेचना बंद करो, सब निजीकरण देसी विदेशी कंपनियों के हाथ, भारत सरकार यहाँ तक कि खुदरा व्यापार भी अभी गए हैं प्रधानमंत्री तो भी 4 बड़े अमेरिकन कंपनियों के सीईओ से मिले हैं कि हमारे यहाँ आप आओ, हमारे देश को चलाओ, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब आप देश नहीं चला सकते, देश के कल कारखानों को नहीं चला सकते, महंगाई पर रोक नहीं लगा सकते, किसानों की ज़बरदस्ती ज़मीन देसी विदेशी कंपनियों के हाथ बेच रहे हैं। इस सवालों पर पूरे देश में किसान संगठनों ने, जिसमें 204 किसान संगठन बंद का नारा दिया, उसमें हम लोग भी संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में आज जुलूस निकाले हैं, प्रदर्शन किए हैं और किसान बंद करने की किसान जनता से अपील की है। बहुत से लोगों ने तकिया, पहाड़पुर, इन जगह जुलूस निकाल करके हम लोग 1 बजे अपने जुलूस को 9 बजे से हम लोग पुरानी कोतवाली से जुलूस निकाले थे और पूरे शहर में लोगों ने इस्तकबाल किया, हाथ उठा करके स्वागत किया कि बहुत अच्छा, हम लोग के साथ लोगों ने नारा लगाया जगह जगह। अब लेकिन अपनी मजबूरी है, सब लोग जुलूस नहीं निकाल सकते, सब लोग साथ खड़े हो नहीं सकते। मैं आजमगढ़ की जनता से बहुत तो नहीं लेकिन खुश ज़रूर हूँ, इसलिए कि लोगों ने हम लोग का स्वागत किया।
पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के परीक्षा फल में हुई गड़बड़ी को लेकर डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में अपना आक्रोश प्रदर्शन करते हुए जानकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय ने अपूर्ण परीक्षा फल तैयार कर युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। ज्यादातर छात्रों के अंक पत्र में इनकम्प्लीट लिख दिया गया है, जिसके चलते वे बीएड व बीटीसी सहित अन्य उच्च संस्थाओं में काउंसलिंग कराने में असमर्थ हो गए हैं। हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने आए थे डीएम साहब के थ्रू। हम लोग की मांगे ये है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय का तृतीय वर्ष का स्नातक का परीक्षा फल घोषित किया गया है, जिसमें 25-30% बच्चों का परीक्षा फल में INC इनकम्प्लीट लिख दिया गया है, किसी का विथहेल्ड लिख दिया गया है, किसी के प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं चढ़ा है। तो इससे हम लोग के जो हम लोग को आगे बीएड में काउंसलिंग करानी है, बीटीसी में काउंसलिंग करानी है और आगे में उच्च शिक्षा लेने के लिए काउंसलिंग करानी है, तो काउंसलिंग हम लोग की हो नहीं रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अपूर्ण दिखाई दे रहा है। इसी सब को मांग को लेकर, क्योंकि अगर डेट निकल जाएगी तो फिर हम लोग का भविष्य एक साल पूरा बर्बाद जाएगा, सारे छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इसके लिए और जो कुछ छात्रों को कॉपी में लिखे हैं फिर भी एक एक नंबर दिया गया है, तो हम लोग करें कॉपी के लिए चेकिंग की जाए, जल्द से जल्द की जाए ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में USA, लंदन, बहरीन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज, पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।